हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। टुडेस टॉपिक इज द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में देखे थे हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन देखे थे, आज देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको किस नाम से और जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेकेंड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल्स। ये क्या होता है, आपके सेल्स के जो कोशिका है उसके क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो कि पूरी सेल को अच्छे से क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर हम इसका थिकनेस का बात करें तो थिकनेस होता है 7 to 8 नैनोमीटर। किसमें होता है इसका मोटाई किसमें होता है, नैनोमीटर में होता है। कितना, 7 to 8 नैनोमीटर में। अगर हम सेल मेम्ब्रेन में बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें प्रोटीन होता है 55% होता है, फॉस्फोलिपिड होता है कितना परसेंट होता है, फॉस्फोलिपिड 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है 5% होता है। अगर हम बात करें और फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर का बात करें, तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो हेड होता है राउंड, जो राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो हेड होता है, जिसमें फास्फोरस होता है, नीचे होता है टेल, जिसमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है। तो ये जो हेड वाला जो रीजन होते हैं, ये क्षेत्र ये वाला, ये हेड रीजन में क्या होता है, चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो चार्ज होने की वजह से इस हेड वाले रीजन को बोलते हैं हाइड्रो, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। तो देखो, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लव, मतलब इस वाले रीजन को किससे लव है, वाटर से इसको लव है। इस कारण इस रीजन को और बोल सकते हैं वाटर लविंग, मतलब वाटर से इसको बहुत ज्यादा क्या है, प्यार है। सेकेंड है क्या, टेल। तो टेल में क्या होता है, नो चार्ज, इसमें चार्ज नहीं प्रेजेंट होता, तो चार्ज नहीं होता, इस कारण इस रीजन को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। क्योंकि हाइड्रो, अभी देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक, फोबिक मतलब होता है जैसे फोबिया बोलता है डर, मतलब इस पार्ट को क्या है, वाटर से डर है, मतलब वाटर से इसको नफरत है, इस कारण इस रीजन को, टेल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वाटर हैटिंग बोलेंगे। और यही स्ट्रक्चर से, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर से हमारे क्या फॉर्म होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में आपके जो फॉस्फोलिपिड में जो हेड रहता है ये आउटर में होता है, बाहर साइड प्रेजेंट होता है, टेल होता है वो अंदर होता है, साथ में क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है आपके चैनल प्रोटीन होता है, चैनल प्रोटीन में क्या होता है, पोर्स होता है, ताकि इस पोर्स से क्या हो सके, आपके सेल के बाहर जो सब्सटेंस है, जो सेल को चाहिए रहता है न्यूट्रिशन, वो क्या हो सके, यहां से अंदर आ सके, ठीक है, और सेल के अंदर जो वेस्टेज होता है वो यहां से क्या हो सके, बाहर जा सके। इसके अलावा सेल में और प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड होता है, जो कि इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और लिपिड होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, रिसेप्टर लगा होता है। साथ में यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन के डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए वहां रहता है कोलेस्ट्रॉल रहता है, साथ में अंदर में प्रोटीन होता है, जो अंदर प्रोटीन होगा उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, जो बाहर प्रोटीन होगा उसको एक्सटर्नल प्रोटीन बोलेंगे। साथ में जो आपके सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर होता है, बाई मतलब दो लेयर से मिलकर बना होता है। इस जो मॉडल है, इस जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मेसो मॉडल, क्या बोलेंगे, फ्लूइड मेसो मॉडल बोलेंगे। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के कार्य का बात करें, फंक्शन का बात करें, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, अभी देखिए हम लोग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब ये क्या करेगा, पूरी सेल को अच्छे से क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो फर्स्ट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का क्या, प्रोटेक्शन, जो कि सेल को अच्छे से क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकेंड फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषित करना, अवशोषित मतलब होता है जो अब्जॉर्प्शन, मतलब वो बोल सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर जितने भी न्यूट्रिशन होंगे या सेल के लिए जो नीड होगा, आवश्यकता होंगे, एसेंशियल जो सब्सटेंस होंगे, उसको क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड नंबर फंक्शन होता है इसका एक्सक्रेशन, क्या होता है, एक्सक्रेशन। सेल में क्या होते रहता है, सेल में सेलुलर एक्टिविटीज होता रहता है, सेलुलर रिएक्शन होते रहता है, तो उस दौरान बनता है वेस्टेज, वेस्टेज मतलब अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जो वेस्टेज को क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन बाहर करता है, उस फंक्शन को बोलते हैं एक्सक्रेशन, क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। फोर्थ फंक्शन होता है रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान करना, जैसे कि हम लोग अगर देखें इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, अगर एक इंस्टीट्यूट है तो वहां का जो मोनो होगा, लोगो होगा, वो सेम होगा, अगर बाहर के अगर देखें और इंस्टीट्यूट का जो लोगो होगा वो अलग होगा। तो अगर हम एक क्लास में क्या करें, पूरे बहुत सारे बच्चे के साथ एक अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे एक
को बैठा दें तो क्या कर सकते हो आप उसको इजिली से पहचान कर सकते हो, क्योंकि उसके जो इंस्टीट्यूट का जो लोगो रहेगा वो अलग रहेगा। वैसे क्या होते हैं, जैसे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको क्या कर लेगा, आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, पहचान कर लेगा, और पहचान कर उस सेल पे उस अदर जो सेल्स आए हैं एंटर किया उस पर क्या करेंगे, एक्शन करेगा। एक्शन मतलब उसको डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा। अगर नेक्स्ट फंक्शन और देखें, लास्ट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का, तो वो होता है सेपरेट, सेपरेशन मतलब सेपरेट करना। किसे सेपरेट करना, देखो सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, सेल के बाहर का, उसको बोलते हैं ईसीई। क्या बोलेंगे, ईसीई। ई का मतलब एक्स्ट्रा, सी का मतलब सेलुलर, सेल से बाहर। ई का मतलब इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। और जो सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं आईसीई। क्या बोलेंगे, आईसीई, इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ये दोनों इन्वायरमेंट से, इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से, ये क्या करता है आपके, सेपरेट करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।